साथियों नमस्कार, मेरा राकेश सिंह राजपूत, डीआरजी डाइट भिंड। साथियों, सभी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि न्यूपा पोर्टल पर फीडिंग कैसे करें। तो साथियों, ये न्यूपा पोर्टल फीडिंग के लिए आज मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। साथियों ध्यान दें, ये है न्यूपा पोर्टल, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्कूल स्टेटमेंट एंड एलुएशन। इस पर अपन यूजर आईडी पासवर्ड डालेंगे, अपने विद्यालय का बनाना मैंने बताया था, अपने मैंने अपने विद्यालय का बनाया हुआ है, और सबमिट करेंगे। देखिए साथियों, ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने में अपन सभी प्लेटफॉर्म खुला हुआ है। सबसे पहले अपन आएंगे मैनेज, तो यहाँ ओटीपी पासवर्ड बनाते तो उसके लिए कोई डाटा यूनिसेफ पिन वगैरह की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद सबसे पहले आएंगे लर्निंग प्रोफाइल पर। लर्निंग प्रोफाइल में साथियों, ये आपको जानकारी भरना है अपनी। ये मेरी ऑलरेडी पहले से भरी हुई है, एकेडमिक ईयर, रूलर, यू डैश कोड। अब हमें भरना है अपनी लर्निंग प्रोफाइल, लर्निंग आउटकम की छात्र संख्या, जो हमें पहले से अपना रिकॉर्ड रखना है। तो देखिए, एससी मेरे यहाँ 0 है, एसटी 0 है, ओबीसी में 133 बच्चे हैं, जनरल 0 है, माइनॉरिटी 0 है, टोटल हो गया 133। साथियों उसके बाद अपन भरेंगे ये क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट। ये अपन पिछले वर्ष, यानी ये लिखा हुआ है क्लियर 2018-19 की भरेंगे। ये सती ये मैंने भर दी और ये सबमिट कर दिया और ये डाटा सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद ये नेक्स्ट पर जाएंगे, नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट डाटा अपना भरना होगा इस पर। साथियों ये डाटा भर गया। ये हमारा अधिगम परिणाम है, वार्षिक परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रतिशत भरना है। इसे अपन सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वही नेक्स्ट डाटा फिर खोल लेंगे। अब नेक्स्ट डाटा देखिए, दिस नोट एप्लीकेशन फॉर योर स्कूल। साथियों ये नोट एप्लीकेबल आने से तात्पर्य यह है क्योंकि ये कक्षा 8 का भरा जाना है, ये पीएस विद्यालय है, इसलिए इसमें नहीं भरना, इसलिए नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। साथियों यह है टीचर प्रोफाइल। इसमें ट्रेंड टीचर मेरे यहाँ 4 हैं, अनट्रेंड यानी बॉय यानी जेंट्स में अनट्रेंड 0 है और फीमेल में 1 है, 0 है, टोटल हो गया। ये सबमिशन कर देंगे और सबमिशन के बाद, सबमिट के बाद साथियों यह लॉन्ग लीव के बारे में जानकारी है, तो मेरे यहाँ किसी ने नहीं लिए, 0 है, और इसे भी मैं सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये अपने डोमेन खुल जाते हैं। ये सभी मानकों पर अपने लेवल निर्धारण करना है, जो हमारे पूर्व में शाला स्थिति पोर्टल पर किया था वही हमें भरना है। ये जैसे मैंने भर दिया, अपने विद्यालय का मैं भर रहा हूँ। साथ ही एक बात और समझने की, रिस्पांस मैट्रिक्स जो लिखा है इसमें अपने स्वमूल्यांकन के जो चरण हैं, विचारी प्रश्न, तथ्यात्मक जानकारी, साक्ष्यों के स्रोत, नवाचार, स्वमूल्यांकन, जाँच सूची और नवाचार, वो सभी इसी में मिलेंगे, से देखने के लिए देखा जा सकता है। साथियों इसके बाद सबमिशन करेंगे, सबमिट। साथियों ये है आपका एक्शन फॉर कंटिन्यूशन स्कूल। इसमें आपको ये जान, साथियों ये है फाइनल सबमिशन के लिए। ये एक्शन प्लान में हर डोमेन का भर देंगे और इसके बाद ये फाइनल सबमिशन के बाद फाइनल सबमिशन आएगा, फाइनल सबमिट करेंगे, ओके करेंगे, इसके बाद हो जाएगा फाइनल सबमिट। फाइनल सबमिट के बाद साथियों ये मैसेज आना चाहिए बाजार में, स्कूल वैल्यूएशन फाइनल सबमिशन सक्सेसफुली, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।